हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास एक यहाँ पे देखिए एक एक आईसी में सभी वोल्टेज यहाँ पे कम्बाइट किया गया है। तो ये हमारे पास रिपेयर में आया हुआ है, तो इसका आपको ये सीरियल नंबर दिखा देता हूँ। GX यहाँ पे जूम करके GX6605S ये NK का कार्ड है जो मार्केट में इजे मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये आईसी सब कुछ वोल्टेज हमारा बनाती है। तो पहले हमें 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, हाई वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट कोर वोल्ट जो सप्लाई हमारी होती है आईसी की, सभी ये यहाँ पे बनाता है। तो अभी एक बार ऑन करके हम देखते हैं तो सभी वोल्टेज हमारा यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके दोस्तों। तो फर्स्ट हमें चेक करना है हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट। तो यहाँ पे ग्राउंड ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करता हूँ। तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो तो अभी 1 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम हमारा इसमें है दोस्तों। तो अभी इसे ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट हमें शॉर्टिंग को चेक करना है। तो यहाँ पे रख देता हूँ, इस कॉइल पे चेक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की जो सप्लाई आती है उस पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। कोई बात नहीं, एक बात यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट 12 वोल्ट जो है उस पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो अभी एक बार यहाँ पे भी दोस्तों कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो एक बार हमें दोस्तों आईसी को बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे एक कंपोनेंट में है। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, तो ये आईसी में ही प्रॉब्लम होगा। तो ये आईसी है हमारा, ये मैं बाहर निकलता हूँ। तो अभी दोस्तों फिलहाल आईसी को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पे कोई बक कन्वर्टर हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे इसको इस सप्लाई को हम रेडी करेंगे। तो अभी दोस्तों आईसी को तो हमने बाहर निकाल लिया है। तो अभी एक बार फर्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे। तो अभी भी हमारा शॉर्टिंग यहाँ पे रुका हुआ है। तो आईसी हमारी सही है। तो अभी एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जो हमारी सप्लाई आती है 12 वोल्ट, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ए दो यहाँ पे PF है, उसे पहले रिमूव करके मैं देखता हूँ दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट हमारा जो है वो ये वाला चेक करता हूँ कि तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिल रहा। तो इसे अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये PF हमारा शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मीटर में, जूम करके दिखाता हूँ पूरा। तो अभी मीटर में भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी ये हमारा सही। तो इसे मैं लगा देता हूँ वापस, और आईसी तो हमारा सही है दोस्तों। फिर से हमें आईसी को लगाना पड़ेगा, इसे यहाँ पे रख देता हूँ आईसी के पास में, और इसे मैं फिर से वापस लगा लेता हूँ और आईसी को भी लगा लेते हैं। अभी दोस्तों आईसी लगा के भी चेक करना है, आईसी भी हमारा ख़राब हो सकता है, लेकिन हमें पता करने के लिए यहाँ पे आईसी बाहर निकला। ज़्यादातर तो आईसी शॉर्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम जो निकल के आया है वो PF का है। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड में से PF निकल लेता हूँ। तो यहाँ पे PF लगा हुआ है दोस्तों।
ये वाला उठा लेते हैं। अभी दोस्तों पीएफ को लगा लिया है तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अभी यहाँ पे हमारा यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अभी हमारा यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टिंग चला गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक बार ऑन करके और वोल्टेज चेक करके देखते हैं, तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट बनना चाहिए। सभी वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ, तो अभी के लिए यहाँ से ऑन किया, तो ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट 12 वोल्ट चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मीटर में देख सकते हो। अभी यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, तो 5 वोल्ट भी दोस्तों ओके बन रहा है। तो अभी यहाँ पे दूसरा वोल्ट 3.3 वोल्ट बनना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे देखता हूँ, तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो अभी इस तरफ हमें चेक करना है, तो हमें प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ दोस्तों, तो मैं 3.3 वोल्ट यहाँ पे देखिए अभी, और यहाँ पे कोर वोल्टेज की सप्लाई चेक करते हैं। अभी यहाँ पे चेक करना है हमें, तो यहाँ पे सही वोल्टेज हमें मिलेगा। देखिए 1 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके। तो अभी मीटर में भी देख सकते हो, तो अभी एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे हमारा बॉक्स भी ऑन हो चुका है, देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था और हमारा 100% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।